A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovan Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। त्योंधर के तहसील प्रांगण में कांग्रेस नेता एवं विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रमाशंकर सिंह पटेल के नेतृत्व में चल रहे 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन का समापन हुआ है। समापन के दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा सहित जिले भर के कई कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आपको बता दें, ओला पानी से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा व बिजली बिल, ट्रांसफार्मर सहित कई समस्याएं शामिल रहीं। बता दें, 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन के समापन में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस संगठन प्रभारी पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा व जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने धरना समाप्त कराया है। इस अवसर पर पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि प्रदेश या देश के किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी सरकार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष किसान व आमजन की आवाज सड़क से सदन में उठाता है, तो देश की तानाशाह सरकार जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। जिला संगठन प्रभारी ने धरना कार्यक्रम में सम्मिलित सभी कांग्रेस नेताओं सहित कार्यक्रम के आयोजक रमाशंकर सिंह के संघर्ष की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं हो जाता। बता दें, धरना कार्यक्रम का समापन जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन व मिले आश्वासन के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष की सहमति से समाप्त किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह ने तीखे लहजे पर कहा कि यदि 1 माह के अंदर मांग पत्र के निराकरण नहीं किए गए, किसानों को उनके नुकसान की फसल का सही मुआवजा नहीं मिला, तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। और जिस तरह से प्रशासन सोया हुआ है यहाँ, उसकी नींद हम लोग खोलने के लिए 5 दिन का धरना दिया है। किसानों के खेत में बालें सड़ गईं, गेहूं सड़ गया, झिरी पड़ गई, चना सड़ गया, बालें देखते नहीं बनती। किसान के दिल पर क्या गुजर रही है, ये हमारे प्रशासन को, जिला कलेक्टर को, SDM को समझ में आना चाहिए। और बिजली के ट्रांसफार्मर जले हुए पड़े हैं, बदले नहीं जा रहे हैं। हाँ, और बिजली भी बार बार समय असमय जा रही है। किसान सबसे ज़्यादा मुसीबत में यदि आया है, शिवराज सिंह के कार्यकाल में आया है। ये झूठे वायदा करने वाली सरकार है, झूठी घोषणाएं शिवराज सिंह करने के आदि हैं। ना तो लाडली बहना योजना में आज तक कुछ वो दे पाएंगे, ना ही किसानों को जो राहत की 36,000 प्रति एकड़ की घोषणा की है, शायद 32,000 की प्रति हेक्टर, वो भी अभी सर्वे ही नहीं हुआ का दोगे कहाँ से। अभी किसानों का कहा जा रहा है, उनके खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, और ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि 50% से नीचे सर्वेक्षण में लिखना। ऐसे कभी हुआ है? इतनी बेईमानी, बेईमान सरकार, इसके खिलाफ हम त्योंथर के कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान और यहाँ के आम जनता जनार्दन का आभार मानते हैं कि 5 दिन का ये धरना प्रदर्शन भाई रमाशंकर जी पटेल के नेतृत्व में यहाँ पर रखा गया। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovan Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.